नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बंगबंधु वन के बारे में। बांग्लादेश की पहली जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई है और इसको लॉन्च इसरो ने नहीं, ना बांग्लादेश की स्पेस एजेंसी ने, इसको लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। इलॉन मस्क की स्पेस एक्स ने बांग्लादेश की पहली जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दी है और ये हिस्टोरिक दिन है बांग्लादेश के लिए। और इस लॉन्च के बाद से बांग्लादेश स्पेस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के मामले में पाकिस्तान से भी आगे हो गया है। बहुत बड़ी बात है, बांग्लादेश 1971 में ही आज़ाद हुआ था और बहुत ही ख़राब इकोनॉमिक कंडीशन में था और तब से लेकर अब तक काफ़ी आगे आ गया है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ये सैटेलाइट किस तरीके से लॉन्च करी गई, यहाँ पर इस सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च क्यों नहीं किया, हमारे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी क्यों चली गई, और यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि स्पेस एक्स को किस तरीके से इस सैटेलाइट लॉन्च से काफ़ी फ़ायदा होगा। अ लॉट टू लर्न, अ लॉट टू डिस्कस, एज ऑलवेज लेट स्टार्ट। और दोस्तों, स्टडी आई क्यू के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं इन सब एग्ज़ाम्स के लिए। एसएससी, बैंक, आरबीए ग्रेड बी, यूपीएससी डिफेंस एग्ज़ाम, यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेज, वेरियस एग्ज़ाम्स के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज आपको मिलेंगे studyiq.com पे। और अभी के लिए हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज पर अप टू 50% का डिस्काउंट है और ये डिस्काउंट चलेगा 15 May 2018 तक। अब देखो, बंगबंधु वन, जिसको BD-1 भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ये अपने आप में हिस्टोरिक बांग्लादेश के लिए इसलिए है क्योंकि इनकी पहली जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो इनके लिए ठीक है। मगर इस सैटेलाइट के लॉन्च के बाद से बांग्लादेश साउथ एशिया में, ध्यान देना, साउथ एशिया में पहली कंट्री बन गया है जिसने एक प्राइवेट कंपनी से अपनी सैटेलाइट बनवाई और एक प्राइवेट कंपनी से ही उसको लॉन्च करवाया। ये काफ़ी हिस्टोरिक है क्योंकि आज से 10-20 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि सैटेलाइट लॉन्च के बिजनेस में प्राइवेट प्लेयर्स इतने ज़्यादा आ जाएंगे और वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर इसरो को भी बीट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज के टाइम में इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन द्वारा, और इसका जो टोटल पेलोड था बंगबंधु वन का, इसको लॉन्च किया था फैल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट ने। ये स्पेस एक्स के लिए भी काफ़ी हिस्टोरिक है क्योंकि ये रीयूजेबल रॉकेट है। इससे पहले जो फैल्कन का वर्जन था उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो ज़्यादा बार रीयूज़ किया जा सके, वो सिर्फ 2 बार रीयूज़ किया जा सकता था। मगर जो ये वाला वर्जन है, ये कहा जा रहा है कि अप टू 10 times इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी वजह से कॉस्ट कटिंग भी काफ़ी हो गई है और बांग्लादेश को इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए काफ़ी कम पैसे देने पड़े। अब देखो, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैटेलाइट का नाम बंगबंधु वन क्यों है। देखो, वन तो खैर सिंस पहली सैटेलाइट है तो वन इन्होंने रख दिया है, बाकी बंगबंधु जो है ये एक आप कह सकते हैं टाइटल दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान को, जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। जब बांग्लादेश को पाकिस्तान, मतलब आज के टाइम में जो वेस्ट पाकिस्तान है, वहाँ पर उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, तो शेख मुजीबुर रहमान ने मुक्ति वाहिनी बनाई थी और बाद में ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी ने भी इनकी मदद करी थी और बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। हालांकि ये बहुत लंबे टाइम तक एक आज़ाद बांग्लादेश को देख नहीं पाए क्योंकि 1971 में ही इनकी हत्या कर दी गई थी। अब देखो, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सैटेलाइट को बनाया था थेल्स अलियाना स्पेस ने। ये एक फ्रेंच इटालियन फर्म है, ये यूरोप के सबसे बड़े ये सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर हैं और इन्होंने ये सैटेलाइट बनाई है, स्पेस एक्स ने लॉन्च करी है, ठीक है। तो बांग्लादेश ने सारा काम ही प्राइवेट कंपनी से यहाँ पे करवाया है और यहाँ पर इस सैटेलाइट में करीब 40 ट्रांसपोंडर्स हैं और इसमें से आधे जो ट्रांसपोंडर्स हैं बांग्लादेश यूज़ कर सकता है अपने रीजन में बाकी कंट्रीज़ को कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो इस सैटेलाइट के लॉन्च से बांग्लादेश को इस रीजन में काफ़ी पावर भी मिलती है क्योंकि जो आप कैपेबिलिटीज़ देखोगे इस सैटेलाइट की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस सैटेलाइट से बांग्लादेश अपने कंट्री में रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़्यादातर रूरल बांग्लादेश में प्रोवाइड कर सकता है और ये जो सारी सर्विसेज हैं, कल को अगर मान लो भूटान चाहे या फिर म्यांमार चाहे या फिर आसपास की कोई कंट्री चाहे, तो बांग्लादेश वहाँ पर उनकी भी सहायता कर सकता है। ये करने की कैपेसिटी इससे पहले सिर्फ इंडिया के पास थी और सिंस बांग्लादेश ने ये सैटेलाइट लॉन्च कर दी है तो उनके पास भी अब काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी हो गई है। वो भी काफ़ी ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री आप कह सकते हैं इस रीजन में बन गए हैं। अच्छा, आपने वीडियो की स्टार्टिंग में सुना होगा कि मैंने कहा था कि ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी का मतलब ये है कि जब ये ऑर्बिट कर रही होगी अर्थ को, तो क्या है कि ये बिल्कुल 24 घंटे के टाइम पीरियड में ऑर्बिट करेगी, तो हमेशा एक पॉइंट के बिल्कुल टॉप पे रहेगी। तो आराम से ये बांग्लादेश को जो भी यहाँ पे सर्विसेज चाहिए ये प्रोवाइड कर सकती है। अब देखो, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सिंस बांग्लादेश ने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बस भूटान म्यांमार को अभी से ही सारी सर्विसेज देना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ और वहाँ पे ग्राउंड वर्क होना कंप्लीट है। और उसके अलावा देखो, इंडिया के पास अपनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी हैं, जो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, जिसमें 11
कम्युनिकेशन सैटेलाइट इस वक्त ऑर्बिट कर रही हैं और यहाँ पे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, और ये बंगबंधु वन से काफ़ी हद तक एडवांस भी है। और यहाँ पे सिंस ये पूरी सैटेलाइट इंडिया ने ही बनाई है, तो यहाँ पर इंडिया को एक एडवांटेज ये भी मिलता है कि यहाँ पे कल को अगर उनको कुछ चेंजेस करने हैं तो इसरो से वो चेंजेस भी करा सकते हैं। अब देखो, बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पर ये है कि सैटेलाइट तो बन गई है, मगर ग्राउंड लेवल पर जो रिसीव करेगा सैटेलाइट का सिग्नल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार नहीं है। सिंस एक सरकारी कंपनी यहाँ पे ये काम कर रही है, ये काफ़ी हद तक डिले हो गया है। प्राइवेट कंपनी को सैटेलाइट बनाने को कहा, उन्होंने टाइम पे बना दी, लॉन्च भी कर दी, मगर ग्राउंड लेवल पे भी अभी बात चल रही है कि शायद किसी प्राइवेट कंपनी को ये रोप इन करेंगे ताकि ये काम भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो और बांग्लादेश अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को भी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर सके। और देखो, ये जो सैटेलाइट है ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए अंतरिक्ष में रहेगी, इसका लाइफ स्पैन है 15 साल, 15 साल के लिए रहेगी, उसके बाद ये शायद डीऑर्बिट करना स्टार्ट कर दे। और इसमें टोटल कॉस्ट आई थी 248 मिलियन, इसमें से HSBC होल्डिंग्स लिमिटेड ने यहाँ पर 188 मिलियन लोन के रूप में प्रोवाइड किए थे, बाकी बांग्लादेश की सरकार ने अपनी तरफ से पैसे यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये रही गई है कि यहाँ पे टोटल 40 कू बैंड को यूज़ किया गया है। ये कू बैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इससे बांग्लादेश अपनी जो फ्लाइट्स हैं वहाँ पे उनको इंटरनेट भी प्रोवाइड कर सकती है, फास्ट इंटरनेट। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है इस टॉपिक पर, अभी उस पर भी आएंगे। देखो, यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि टोटल कॉस्ट इस सैटेलाइट को लॉन्च करने की कितनी आई होगी। सिंस यहाँ पे ब्लॉक 5 जो है फैल्कन 9 का ये यूज़ किया गया है, तो सिंस रियूजेबल है तो इससे इसकी जो कॉस्ट है काफ़ी हद तक कम हो गई है, करीब 5 से 6 मिलियन के आसपास की कॉस्ट आई होगी इसको लॉन्च करने के लिए, जो करीब 40 से 30 करोड़ के आसपास है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, सिंस यहाँ पर SpaceX ने बांग्लादेश के लिए एक कू बैंड की सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, इससे कल को अगर मान लो इनको प्लेन में वाईफाई प्रोवाइड करना, ये कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको एक पहले एक वीडियो में बताया था, 3 टाइप के सिस्टम होते हैं जिससे आप प्लेन में वाईफाई प्रोवाइड कर सकते हैं। एक होता है ATG सिस्टम, जहाँ पे ग्राउंड में आप टावर लगाते हैं और प्लेन उसको कैच करता है। फिर होता है कू बैंड, ये ATG से ज़्यादा एडवांस होता है, और मगर ये फिर भी का बैंड से काफ़ी हद तक पीछे है, और ज़्यादातर कंट्रीज आज के टाइम में का बैंड पर काम कर रही है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यहाँ पे बांग्लादेश ने कू बैंड पे काम क्यों किया है, थोड़ा पुराना सा है, बट स्टिल आई मीन ये कम से कम ATG से अच्छा है ही, और इससे काफ़ी अच्छी इंटरनेट ये स्पीड प्रोवाइड कर सकते हैं अपने प्लेन्स को और नीचे अपने रूरल एरिया में भी। अब देखो, बंगबंधु के लॉन्च के बाद से बांग्लादेश एक बहुत ही इलीट ग्रुप में शामिल हो गया है, जहाँ पे श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडिया ऑलरेडी है, पाकिस्तान भी है ऑफकोर्स। पाकिस्तान की पाकसैट 1R लॉन्च करी गई थी सन 2011 में, ये भी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी, मगर सिंस ये 2011 में लॉन्च करी गई थी और उस टाइम बेसिकली ये चाइनीज़ गिफ्ट था। पाकिस्तान की पाकसैट 1R को चाइना ने लॉन्च किया था, चाइनीज़ कंपनी ने लॉन्च किया था, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी चाइना ने काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, तो ये इतनी ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है। बांग्लादेश की बंगबंधु 1 काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड है और काफ़ी बेहतर है पाकसैट 1R से। तो कहने को ये सारी कंट्रीज़ वैसे एक ग्रुप में है, मगर इनकी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी हद तक डिफरेंट है। आज के टाइम में इंडिया, मैं कहूँगा, नंबर 1 पे है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, नंबर 2 पे बांग्लादेश आ चुका है, और नंबर 3 पे अब पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान भी आने वाले टाइम में अपनी खुद की कम्युनिकेशन सैटेलाइट फिर से लॉन्च करेगा, इसका नाम होगा पाकिस्तान मल्टी मिशन सैटेलाइट, पाकसैट MM1। ये देखना होगा कि किस तरीके से लॉन्च करी जाएगी, मगर यहाँ पर इंडिया को एक एज ये भी है कि इंडिया अपनी सैटेलाइट्स खुद लॉन्च कर सकता है, बाकी जो कंट्रीज़ हैं इनको, बाकी जो प्लेयर्स हैं SpaceX वगैरह, उनको पेमेंट करनी पड़ती है तो ये इनकी सैटेलाइट लॉन्च होती है। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन एक ये भी आता है कि सिंस इंडिया सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है तो बंगबंधु 1 को SpaceX ने लॉन्च क्यों किया है, इसरो ने लॉन्च क्यों नहीं किया। देखो, यहाँ पे आंसर ये है कि बंगबंधु 1 का जो पेलोड था वो काफ़ी ज़्यादा था, और इंडियन सैटेलाइट्स के पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने ज़्यादा पेलोड की कमर्शियल सैटेलाइट को वो ऐसे लॉन्च कर ले, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया इसको अभी लॉन्च नहीं कर पाया, और ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हमारे लिए कि काफ़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमने यहाँ पर गवा दी। अब देखो, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि बांग्लादेश धीरे धीरे ऑलमोस्ट हर फील्ड में पाकिस्तान से कैचअप कर रहा है, और 1-2 साल में लग रहा है कि वो पाकिस्तान से आगे भी निकल जाएगा। ऑफकोर्स स्पेस कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वहाँ पर बांग्लादेश अब काफ़ी हद तक आगे हो चुका है पाकिस्तान से, मगर हमको यहाँ पर यह भी देखना होगा कि और एरियाज़ में भी, फॉर एग्जांपल पर कैपिटा GDP जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है इकोनॉमी में, वहाँ पर भी बांग्लादेश ऑलमोस्ट ओवरटेक करने ही वाला है पाकिस्तान को। उम्मीद की जा रही है कि 2020 में बांग्लादेश ओवरटेक कर लेगा पाकिस्तान को इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा GDP। तो ये बहुत बड़ी बात है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि एक टाइम पर ये होपलेस इकोनॉमी कही जाती थी, आज के टाइम में ये होपफुल इकोनॉमी बन गई है। अब इसका रीज़न क्या है? देखो, रीज़न बहुत ही सिंपल है, पाकिस्तान की मिलिट्री वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनको इन्वेस्ट करने नहीं देती। रिसेंटली ये सुन के मुझे भी काफ़ी दुख लगा,
पाकिस्तान की आर्मी ने 20% का इंक्रीज़ मांग लिया है। अभी जो 20% का इंक्रीज़ है, ये इंडिया से जो इनकी आज के टाइम में एक बहुत ही बड़ा एक डेफिसिट सा हो गया, पावर डेफिसिट, उसको ब्रिज करने में हेल्प नहीं करेगा। इंडिया इज़ फार अहेड, यहाँ पे ये 100% इंक्रीज़ भी कर लें तो भी इंडिया बहुत ज़्यादा आगे रहेगा, और ऑफ कोर्स इंडिया का बजट भी एक्सपोनेंशियली बढ़ता ही रहेगा। मगर पाकिस्तान आज के टाइम में अपनी जो टोटल GDP है उसका बहुत ही बड़ा परसेंटेज मिलिट्री पे खर्च रहा है, और सिंस ये लोग साइंस एंड टेक पे नहीं खर्च पा रहे तो बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ की तरह ये कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे इस पूरे रीजन में इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स या और तरीके से भी। अब देखो यहाँ पर इंडिया के लिए भी काफ़ी एक वरिंग बात ये भी है कि सिंस अब बांग्लादेश का बंगबंधु 1 जो मिशन था ये अब स्पेस एक्स की झोली में चला गया और ये हम लॉन्च नहीं कर पाए। हम ये नहीं चाहते कि ऐसा बार बार हो, क्योंकि आने वाले टाइम में एक स्पेस एक्स तो ऑलरेडी है, फिर चाइना में भी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी खड़ी हो गई है वन स्पेस के नाम से, और ये लोग भी अब सैटेलाइट्स लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसरो को हर तरफ से कंपटीशन मिलने वाला है, और अगर इसरो को मेंटेन करनी है अपनी सुप्रेमेसी कम से कम साउथ ईस्ट एशिया में या फिर साउथ एशिया में, तो उनको डेफिनेटली रीयूजेबल रॉकेट्स पे काम करना होगा, और उस पर काम कर भी रहा है इसरो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, लाइक स्पेस एक्स इसरो 2 वर्किंग ऑन रीयूजेबल रॉकेट स्टेजेस। मगर इसमें अभी कुछ और टाइम लग सकता है, शायद 2-3 साल और लग सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली डेवलप होने में, और इंडिया फॉर द टाइम बीइंग ये उम्मीद कर सकता है कि जो रीयूजेबल टेक्नोलॉजी है जब 2-3 साल बाद बने ये प्रॉपर तरीके से काम करे, और जिसमें ज़्यादा और इसमें ज़्यादा फेलियर्स ना आए, क्योंकि जब स्पेस एक्स ने रीयूजेबल टेक्नोलॉजी पहली बार लॉन्च करी थी तो काफ़ी बार उनको फेलियर भी देखने पड़े थे, और बहुत टाइम बाद ये आज के टाइम में सक्सेस देख रहे हैं। तो इंडिया को भी यहाँ पे कैचअप करना है, अदरवाइज़ इसरो की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी।